दोस्तों, अगर नेचुरल तरीके से अपने सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं तो पार्लर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेचुरली डाई आप प्रिपेयर करके अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, माय चैनल नेम इज़ मुंबई की बिंदु एंड आई एम बिंदु। मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से नेचुरल डाई आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपको नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको लेना है त्रिफला। त्रिफला बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला के चूर्ण का। तो त्रिफला काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, वाइटमिन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं काला बनाने के लिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं या फिर समय से पहले ही असमय ही आपके बाल अगर सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं अगर आप, तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को काला करने के लिए। साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को इसे ये स्टॉप करने का, रिवर्स करने का भी काम करती है। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर, और ये बहुत ही अमेजिंग सा आपको रिजल्ट भी देते हैं। मैंने यहाँ पे पतंजलि के लिए है, आप चाहें तो कोई भी अलग अलग से भी इस पाउडर को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक चम्मच के तकरीबन त्रिफला का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, और स्ट्रेस कम होता है तो हमारे बाल जो हैं ऑटोमेटिकली वो काले होते हैं दोस्तों। तो इसका यूज़ करना है आपको त्रिफला का। सो एक से दो बड़े चम्मच आप त्रिफला का पाउडर यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कुछ ही दिनों में आपके बाल जो हैं वो काले लंबे घने तो होंगे, साथ ही साथ बालों के जो टूटने की प्रॉब्लम है, झड़ने की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। त्रिफला का यूज़ करने बाद दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन हमें बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए हमारे स्कैल्प का। तो यहाँ पे आपको जिंजर पाउडर लेना है, एक से दो बड़े चम्मच के तकरीबन जिंजर पाउडर आपके बालों की स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, जिससे कि आपके जो बाल हैं रीग्रो हेयर होंगे वो आपके बहुत ही अच्छे तरह से आएंगे, मोटे बाल आएंगे दोस्तों, बहुत ही पतले बाल नहीं आएंगे। तो आपका इसका ध्यान देना है। इसी के साथ में हम ऐड करने वाले हैं इंडिगो पाउडर, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए 100% ये इफेक्टिव है दोस्तों, बालों की डैंड्रफ को दूर करता है, कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करिएगा। इंडिगो पाउडर, जिसे हम नीला पत्ता के नाम से जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सा ये रिजल्ट देते हैं, और एक से दो बड़े चम्मच के तकरीबन आप इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। सारे पाउडर्स को हमने ले लिया है दोस्तों। कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसका भी हमें यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों की जो नमी होती है वो खो जाती है। और चाहे वो कोई भी सीज़न होने दीजिए, रेनी समर या फिर विंटर सीज़न, तो नमी अगर खोती है किसी भी कारण से आपके बालों की, तो आप इन सारे ऑयल्स को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। साथ ही साथ इस पाउडर के अंदर हमें मिक्स करना है दोस्तों कॉफ़ी का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी अगेन आप समझते हैं कि आपके बालों को ये सिल्की सॉफ्ट बनाते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर भी प्रोवाइड करते हैं। इंडिगो के साथ में अगर आपने कॉफ़ी भी मिक्स किया तो ये आपको नेचुरली कलर देने का काम करती हैं। अब आपको लेना है यहाँ पर ट्री ट्री ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा देते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, हमारे नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपने ये डाई प्रिपेयर किया ना दोस्तों, 100% आपके बालों को तो काला करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को भी ये दूर करेंगे। तो यहाँ पे ट्री ट्री ऑयल लेना है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और यहाँ पर हम लेंगे अगेन एक और स्पेशल ऑयल, जिसे कि आप देख सकते हो लेवेंडर ऑयल दोस्तों। इसका भी 3 से 4 ड्रॉप आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छी इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपके स्कैल्प को है ना वो लूज़ नहीं पड़ने देती। अगर आपके स्कैल्प लूज़ हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं। स्कैल्प को भी टाइटन अप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवेंडर का भी इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत होती है, बस 4 से 5 बूंद अगर आपने यहाँ पर लेवेंडर ऑयल या फिर यहाँ पर टी ट्री ऑयल इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया ना दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पानी डाल देना है, और पानी के बाद इसे हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। मीन्स आपको थोड़ा सा ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये हमारा जो रेमेडी है ना एक डाई बन करके प्रिपेयर हो जाए। अच्छा जी, आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे आयरन पैन ली है। जो आयरन पैन होता है दोस्तों, इसमें आयरन तत्व काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हमारे हेयर के लिए, इसीलिए हमें ये आयरन पैन का यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप रेमेडीज़ वगैरह प्रिपेयर करते हो दोस्तों, तो आयरन पैन में ही बनाइए ज़्यादा करके। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। मैं इसे पूरा लाइव करके भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कितना इफेक्टिव है ये रेमेडी। आप इसे अपने बालों पे ज़रूर लगाइए कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं वो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर आपने एक दिन पहले ही अगर ऑयल लगाया है अपने बालों में, तो भी आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें इंडिगो का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो बस एक बॉयल आपको देना है यहाँ पर, और गैस के फ्लेम को यहाँ पर आपको बंद कर देना है। तो आप देख सकते हो ये हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो चुका है।
और हमारे गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया। मैंने इसे 1 से 2 घंटे इसी तरह से छोड़ दिया था और इसका प्यारा सा कलर आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा ये पेस्ट बन करके हमारा जो रेडी हो चुका है। बस इसे आप अपने बालों पे लगा लीजिए, अच्छी तरह से कोम करके लगाइए। मैं यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे देखिए जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे अगर बालों को काला करना है और नेचुरली उसे शाइन प्रोवाइड करना है तो मैं ये रेमेडी यूज़ करती हूँ दोस्तों, ठीक है। 1 से 2 घंटे आपको इसे लगा करके छोड़ना है और उसके बाद आप सेम डे शैम्पू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिले। नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ।